अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आप सबका स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्री गंगानगर के क्षेत्र गढ़शाणा में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में पूर्व में सिंचाई पानी का बनाया हुआ रेगुलेशन यथावत रखने की मांग को लेकर मंगलवार को किसान क्षेत्रीय विधायक संतोष बावरी के नेतृत्व में व्यापार मंडल भवन में एकत्रित हुए। गढ़शाणा से हमारे संवाददाता शिवशंकर बिश्नोई ने बताया कि इस अवसर पर सिंचाई पानी को लेकर व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष किशन दुग्गल, महेंद्र तरड़, भाजपा के पूर्व देहात मंडल अध्यक्ष नगर पालिका अनूपगढ़ के प्रतिपक्ष के नेता सतपाल मुंजाल, संदीप ढिल्लो, गजानंद सोनी सहित आधा दर्जन वक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि यदि 12 दिसंबर के बाद रेगुलेशन 3 में से 1 बनाकर सिंचाई पानी दिया गया तो किसान की सरसों व गेहूं की फसल किसी भी सूरत में पक नहीं सकती। इस क्षेत्र का किसान, व्यापारी तथा मजदूर उजड़ जाएंगे तथा पशुधन भी नहीं बच सकेगा। उन्होंने कहा, डैम में पर्याप्त पानी होते हुए भी कांग्रेस सरकार किसानों को उजड़ने पर उतारू है। उन्होंने कहा, सरकार की नीयत व नीति दोनों में फर्क है। किसानों को विवश होकर आंदोलन रास्ता अपनाना पड़ेगा। तत्पश्चात किसान विधायक संतोष प्रभु बावरी के नेतृत्व में बाजार के मुख्य मार्गों से सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए उप जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे तथा मुख्यमंत्री के नाम उप जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में तहसीलदार दानाराम लूणा को ज्ञापन सौंपा। इस पर विधायक ने कहा कि रेगुलेशन में छेड़छाड़ किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी। अगर रेगुलेशन यथावत नहीं रखा गया तो क्षेत्र के किसान चुप नहीं बैठेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अनुग्रह ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।